नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और आज दोपहर से ही ईडी की एक लंबी चौड़ी टीम हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद थी। उनसे 8 घंटे से भी ज्यादा समय से पूछताछ चल रही थी और इसके बाद वो रात करीब 8:30 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन चले गए और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। राजभवन जाते समय ईडी की एक टीम भी हेमंत सोरेन के साथ मौजूद थी, शायद इसलिए कि हेमंत सोरेन कहीं शायद बीच में से कहीं भाग ना जाएं। और उनके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो शिबू सोरेन के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं और उनकी उम्र है 67 वर्ष। 67 वर्ष के चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो परिवहन मंत्री थे। और हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद जेएमएम के विधायकों ने राजभवन के सामने ही इस समय हंगामा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि राज्यपाल ने सभी विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया और राज्यपाल सिर्फ 5 विधायकों से मिले जिन्होंने चंपई सोरेन के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने यह दावा किया है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है। और आज अगले 1 घंटे तक हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। खबर वाकई बहुत बड़ी है। एक तो इसलिए बड़ी है क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी ने इस तरह से गिरफ्तार कर लिया है। और कई महीनों से हेमंत सोरेन और ईडी के बीच ये मैच चल रहा था, हेमंत सोरेन आगे आगे और ईडी पीछे पीछे। ईडी लगातार उनसे पूछताछ की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हर बार हर समन से बचते जा रहे थे। इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए ये है कि ईडी भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाली है। और इस गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और अब हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये सब आपके लिए काम की जानकारी है, तो सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। और चंपई सोरेन कौन है? चंपई सोरेन 67 वर्ष के हैं और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो उपाध्यक्ष हैं, यानी बहुत सीनियर नेता हैं। और वो हेमंत सोरेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। और बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन सोरेन परिवार से नहीं है, यानी शिबू सोरेन परिवार से वो नहीं है। और ये जो सोरेन सरनेम उनके नाम के साथ लगा हुआ है, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि चंपई सोरेन शायद शिबू सोरेन के परिवार से है, जबकि ये जानकारी सही नहीं है। वो शिबू सोरेन के परिवार से नहीं है, उनका सरनेम जरूर सोरेन है, जाति एक हो सकती है लेकिन वो एक परिवार से नहीं है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापकों में से एक हैं, यानी को फाउंडर है। और वो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के सबसे पुराने सहयोगी हैं। जब शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनाने के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था, तभी से चंपई सोरेन उनके साथ हैं। और चंपई सोरेन की पार्टी पर और सरकार पर पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर हेमंत सोरेन उन्हें मुख्यमंत्री न बनाते तो शायद वो पार्टी को तोड़ भी सकते थे। और रांची से चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि आज सुबह से ही इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, सुबह से ही वो वहां पर मौजूद हैं। और मनीष पांडे इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं। सबसे पहले हम सीधे रांची ही चलते हैं और चित्रा से जानने की कोशिश करते हैं। चित्रा, लेटेस्ट आप हमारे दर्शकों को वहां से क्या बता सकती हैं? इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक ड्रामा वहां चल रहा है। देखिए सुधीर जी, ये सच बात है कि आज सुबह से ही एक लंबा चौड़ा राजनीतिक ड्रामा हमने देखा दोनों ही पक्षों की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तो बीजेपी की ओर से भी। और चंपई सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री निशिकांत दुबे की ओर से सबसे पहले ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो उन्होंने अपने लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर कितने गहरे तक लगाकर रखा है, अब इस बात से आप समझ सकते हैं। राजभवन के बाहर मेरी मौजूदगी है, भीतर हेमंत सोरेन है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, उनके साथ एक जेडीयू। और आपको बता दें कुछ ही देर में और यहां पर हलचल तेज हो गई है। आइए जरा यहां
यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन यहाँ से निकलेंगे और फिलहाल जानकारी यही मिल रही है। हालांकि ईडी के सूत्रों ने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन महुआ मांझी की ओर से जो जानकारी दी गई है कि वो ईडी की कस्टडी में है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है। फिलहाल ये उनकी गाड़ियां आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में इसी गाड़ी में बैठकर हेमंत सोरेन यहाँ से जाएंगे। अब ईडी के लोग उनको लेकर कहाँ जाते हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उग्र आज पूरे दिन अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते रहे। 144 धारा कुछ इलाकों में लगाई गई थी, इस वजह से वहां पर शांति जरूर रही, लेकिन दूसरे हिस्सों में स्थिति बिगड़ने नहीं पाए, कानून व्यवस्था बनी रहे। अब इसकी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को निभानी पड़ेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर में हेमंत सोरेन यहाँ से निकलने वाले हैं और माना जा रहा है कि ईडी की टीम अब उनको यहाँ से लेकर जाएगी। देखिए, अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो ईडी की कस्टडी में है, ईडी की गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। और आज तक सिलसिलेवार तरीके से जितने भी मुख्यमंत्री को हम देखें, चाहे लालू यादव, जब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी इस्तीफा देना पड़ा, जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा, उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा और येदुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था, तो इस तरह से जितनी भी फहरिस्त हम देखें उसी फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल हो गया। लेकिन ये पहला मामला है जब ईडी की ओर से इतना बड़ा एक्शन लिया गया है। और जरा सोचिए, 10 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार उनको समन भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से इस समन का जवाब अलग अलग तरीके से दिया जाता, कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता। और फाइनली उनको भी इस बात का एहसास होगा कि ईडी से जब मेरा आमना सामना होगा तो स्थिति बिगड़ सकती है और फिर मुझे पद गंवाना पड़ सकता है। शायद यही कारण रहा कि 27 तारीख की रात से लेकर 30 तारीख तक वो गायब रहे और उसके बाद अचानक वो आते हैं, 31 तारीख का समय दिया जाता है और फिर आज की 31 तारीख ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लिया है। इस्तीफा देने के बाद वो फौरन बाहर आएंगे। अब ईडी की टीम उनको लेकर यहाँ से कहाँ जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास लेकर जाया जाएगा या फिर कहीं और लेकर जाया जाएगा? जी चित्रा, अभी जब आप हमसे बात कर रही हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक तस्वीर, एक वीडियो लगातार चल रहा है जिसमें एक इनोवा गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हुए हेमंत सोरेन लोगों को हाथ हिला रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो इस तरीके से जा रहे हैं थम्स अप करते हुए, जैसे ये उनकी कोई बहुत बड़ी जीत है, जैसे वो एक शेर की तरह, एक बहादुर शेर की तरह वहां से निकल रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो झुकेंगे नहीं। और बड़े इसमें उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकन है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं से कोई गोल्ड मेडल जीत कर जा रहे हैं। तो ये जो नई तरीके की चीज हमने देखी कि विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से बाहर निकलते हैं जैसे गोल्ड मेडल जीत कर देश के लिए कहीं जा रहे हों या कहीं से आ रहे हों, तो ये हेमंत सोरेन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आज? ये उनकी मजबूरी भी है सुधीर जी और जरूरी भी है। देखिए, उनके कार्यकर्ता जो बड़ी तादाद में उनके इसी चेहरे का इंतजार कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी तरह से डाउन दिखे या ये लगे कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जा रही है तो फिर हमारा नेता झुक गया है। शायद यही कारण है कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ वो लोगों के सामने आए हैं। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह जानना जरूरी है। सेना की जमीन को लेकर खरीद फरोख गलत तरीके से हुआ, जिस मामले में हेमंत सोरेन का नाम आया, पहले ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई जिनमें कई अधिकारी थे जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी से, उनसे पूछताछ और डॉक्यूमेंट के आधार पर ईडी को जब तार जुड़ते हुए हेमंत सोरेन से दिखाई दिए, तो हेमंत सोरेन से पहले भी 20 जनवरी को पूछताछ की गई और आज 31 जनवरी को पूछताछ के साथ ही कस्टडी में, मानकर चले कि उनको कस्टडी में लिया हुआ है ईडी के लोगों ने, जिस तरह की जानकारी सोर्सेज ने हमें दी है, और फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही कारण है कि उनकी ओर से इस्तीफा पहले ही जाकर दे दिया गया और दूसरी तरफ विधायकों ने मिलकर एक नाम सौंप दिया है कि आप इनको हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए और हमारी परेड अभी करवा दीजिए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज चूंकि हमें पता है, 2 महीने के बाद 14 लोकसभा सीटों के लिए यहां पर मतदान होना है, जिनमें से 12 सीटें आजसू के साथ मिलकर बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। 9-10 महीने के बाद यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ऑल इज वेल, हमें फंसाने की कोशिश, जैसा कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रहा है ये बीजेपी का किया धरा है, ईडी के अधिकारी नहीं बल्कि वो बीजेपी के लोग हैं जो हमको फंसा रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। लेकिन ये बात भी सच है कि सेना की जमीन में खरीद फरोख का ये मामला है जिसके गंभीर आरोप लगे। और मुनीष, जैसा कि जानकारी हमें दे रहे थे कि खनन घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, इतने सारे घोटालों से संबंधित सवाल जवाब आज उनसे किए गए, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब आपका बचना मुश्किल है, जिसके बाद इस्तीफा देने के लिए वो राजभवन आए और अब इस्तीफा देने के बाद उनको कहां लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे घोटाले हैं और उन घोटालों को लेकर
शिबू सोरेन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरे पर जैसे ये बहुत ईमानदारी का जो तेज होता है उसे अपने चेहरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अपने एक और सहयोगी सत्यजीत के पास चलते हैं, वो भी इस समय रांची में है, और सत्यजीत से ये जानने की कोशिश करते हैं। सत्यजीत, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है ये एक पारिवारिक पार्टी मानी जाती है, और हमने ये देखा, पहले ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी को, कल्पना सोरेन को, अगला मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने ये देखा कि परिवार से कोई नहीं बना और उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या परिवार में सब कुछ ठीक है या परिवार में भी किसी तरह का कोई कलह आपको दिखाई दे रहा है, पार्टी में भी कोई कलह आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये साफ तौर से जिस तरह से टेक्निकल जो है निटिग्रिटीज और न्यूएंसेस को लाया जा रहा था बीच में कि अगर साल भर से कम बचता है तो उपचुनाव हो सकते हैं या नहीं, सेफ साइड के लिए एक सीट जो है बेशक जो है खाली करवाया गया था गांडे विधानसभा क्षेत्र का, जब सरफराज अहमद को कहा गया था कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन जिस तरह से कई जजमेंट को कोर्ट किया जा रहा था कि अगर साल भर से कम बचता है तो उसके बाद जो है उपचुनाव या बाई इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं, फिर या फिर स्वेरिंग इन के लिए किसी नॉन एमएलए को गवर्नर बुला सकते हैं या नहीं, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कॉशसली ट्रेड करने के लिए कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, किसी तरह का कोई चांस ना लेते हुए ऐसे एक यस मैन को चुना गया। हालांकि चंपई सोरेन जो है 2009 में भी इनका नाम बार बार प्रपोज किया जा रहा था लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और झारखंड जो है राष्ट्रपति शासन में चली गई थी। उस वक्त जो है गुरुजी यानी शिबू सोरेन जो पॉपुलरली कहे जाते हैं गुरुजी के रूप में झारखंड में, तो वो बाईपोल्स हारे थे और उस वक्त जो है चंपई सोरेन का नाम प्रपोज हुआ, उसके बाद उसको जो है अपने ही लोगों से उस नाम को जो है कटवा दिया गया था, उसको जो है उसका विरोध करवा दिया गया था। लेकिन इस बार अब इनके पास शायद कोई विकल्प नहीं था और ये चांस लेना नहीं चाहते थे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाए, ऐसे सूरत में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के नाम पे मोहर लगी है। इसके पहले भी दो तीन नामों की चर्चा हो रही थी जो यस मैन हो सकते हैं, जो जेएमएम के लॉयलिस्ट रहे हैं, जैसे जोभा मांझी जो है उनका भी नाम प्रपोज किया जा रहा था, चंपई सोरेन और इसके अलावा कल्पना सोरेन जो है वो स्वाभाविक चॉइस थी, और इसी को लेकर लगातार जो है सिग्नेचर कैंपेन भी चलाए गए। कहा जा रहा था कि कल की जो बैठक है उसमें जो है सिग्नेचर लिया गया ब्लैंक पेपर पे, तो यानी एक कवरिंग लेटर लगाने की जरूरत थी, सेफ साइड जो है प्ले किया गया पहले से ही। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को कल तक विधायकों को भी ये नहीं पता था कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी बिल्कुल सुधीर, इसलिए है कि अब तक जो रीजनल पार्टीज की साइकी रही है कि वो पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, वो हेल्म्स ऑफ द अफेयर्स को अपने हाथ में रखना चाहते हैं हर हाल में, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल में राज चला गया, आपके पास मेजोरिटी है 2009 में और शिबू सोरेन उस वक्त जो है उपचुनाव हार जाते हैं बतौर मुख्यमंत्री, तो उसके बाद ये साफ था कि जब आपके पास नंबर थे तो आप किसी का नाम प्रपोज करके आप सरकार बनवा सकते हैं। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी और बाकी लोग जो है समर्थन कर रहे थे। आपके पास दोबारा आऊंगा लेकिन अभी हम चलते हैं मनीष पांडे के पास। मनीष हमारे साथ इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। मनीष, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब दो तरह के नैरेटिव चलेंगे। विपक्ष ये कहेगा कि बीजेपी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है, उनके एक एक करके नेताओं को ईडी के जाल में फंसाकर उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट कर रही है, और ईडी ये कहेगी कि हमने जो आरोप लगाए हैं, जो हमने जांच की है वो बिल्कुल पुख्ता है। आपसे मुनीश हम ये जानना चाहते हैं कि जो जांच चल रही है, जो आरोप हैं वो कितने गंभीर हैं, और ईडी का ये जो केस है ये कितना वाटर टाइट केस है? मुनीश, बेहद महत्वपूर्ण सवाल सुधीर आपका, और ईडी सूत्रों का यह साफ तौर पे कहना है कि जिस बिना पर उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को तय किया हुआ है वो सबूतों के आधार पर है, और सिर्फ एक मामले में नहीं, क्योंकि आज भले ही उनकी गिरफ्तारी सिर्फ जमीन घोटाले मामले में हो लेकिन दो और मामले हैं सुधीर, चाहे वो इलीगल माइनिंग का मामला हो चाहे कोयला घोटाला का मामला हो, इन दोनों ही मामलों में ईडी का कहना है कि साफ तौर पर एक दो नहीं बल्कि ऐसे सबूत इकट्ठा किए गए जिसके बिना पर उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी इस मामले में। आपको बता दें पूरे पिछले 48 घंटे का जो घटनाक्रम है सुधीर
वो इतिहास से भरा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सीएम 40 घंटे तक नदारद हो गया, किसी के टच में नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सीएम आता है चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली, लेकिन बाय रोड वो यहां से झारखंड तक पहुंचता है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, या फिर थोड़ी देर में उसकी गिरफ्तारी को ईडी औपचारिक रूप से कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी तय मानिए, और थोड़ी देर में हम इसकी घोषणा भी कर देंगे कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आज की जो पूछताछ थी, तीन ऐसी बड़ी वजहें थी जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की आज गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहला, हाल ही में उनके दिल्ली के निवास स्थान पर जब ईडी ने छापेमारी की थी, उस छापेमारी के दौरान उनको ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले थे, ऐसे दस्तावेज मिले थे जो कि सीधे उनको जो जमीन घोटाला मामला है उनसे जोड़ रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा सबूत था कि इस मामले में जब ईडी ने लोगों के बयान दर्ज किए हुए थे, खास करके वो अधिकारी जो कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट झारखंड सरकार में काम कर रहे थे और उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो घोटाले में शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन को घोटालों के बारे में जानकारी थी, और ना सिर्फ जानकारी थी बल्कि वो कहीं ना कहीं शामिल थे। तीसरा, इस मामले में जांच के दौरान यह भी पता चला कि काफी करोड़ों की बेनामी संपत्तियां हेमंत सोरेन के नाम पर हैं, उन सब पर जब सवाल पूछा गया तो हेमंत सोरेन के पास में बचाव का कोई रास्ता रह नहीं गया था। सुधीर जी, अगला आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से सत्यजीत के पास जाना चाहते हैं। सत्यजीत, हेमंत सोरेन अपने लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, प्राइवेट प्लेन्स में वो घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जब अभी दिल्ली में भी उनके घर पर छापा पड़ा तो 36 लाख रुपए कैश मिले थे और एक BMW गाड़ी मिली थी। लेकिन आज मैंने ये देखा, अभी जब वो जा रहे थे राजभवन तो एक इनोवा गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, आगे बैठकर, अगली सीट पर बैठकर, हाथ हिलाते हुए और कुछ इस तरीके का थम्स अप का इशारा करते हुए। तो आज वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आमतौर पर इसी गाड़ी में चलते हैं या आज ये सिर्फ मीडिया के लिए और देश की जनता को दिखाने के लिए कि वो कितने साधारण और कितने सिंपल आदमी हैं, इसलिए इस गाड़ी में गए हैं? देखिए, बार बार वो मैसेज लाउड एंड क्लियर डिसेमिनेट की कोशिश करने की कोशिश करते रहे हैं कि वो झारखंड के धरती के पुत्र हैं, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जिन्होंने अलग राज्य का आंदोलन किया था, अलग राज्य का के आंदोलन का बिगुल फूंका था, महाजनी प्रथा के खिलाफ जो है आंदोलन चलाए थे, तो उन्हीं के सब वो पुत्र हैं और उन्हीं का खून उनके रगों में दौड़ता है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं साजिश के तहत, जिस तरह से लगातार वो कहते रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायस्ड है, उनके इमेज को जो है मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, जेएमएम के लोग ये कहते रहे कि आखिर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्यों नहीं होता इस तरह का जांच, ये तमाम चीजें वो कहते रहे। तो यहां से हाथ जो वो वेव कर रहे थे, यही दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, बेशक जो है एजेंसीज के दबाव में, एजेंसीज को यूज करके उनको टेम किया जा रहा है, उनको ग्रिल किया जा रहा है, लेकिन उनकी कहीं गलती नहीं है। अब जब जेएमएम ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो इसी गाड़ी में चलते हैं, ये गाड़ी लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं आज। किसने प्लांट नहीं सुधीर, ये कभी इनोवा में भी चलते हैं, लेकिन BMW भी इनके पास है और सरकारी गाड़ी जो है उसके उस काफिले में भी, उस कैबलकेड में भी BMW देखी जाती है, बदल बदल के गाड़ियों पे चलते हैं, जैसा आपने कहा कि शौकीन है, मैन ऑफ स्टाइल है, तो वो इनके लाइफस्टाइल में झलकता है। लेकिन अभी जो है ये इनोवा वो जिसपे वो ट्रैवल कर रहे थे, पहले भी वो टाटा सफारी और इनोवा में ट्रैवल करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा गया था कि उन्होंने एक रिक्विजिशन करके सरकारी पैसों पे BMW खरीदा था, उसके पहले जो है यहाँ पे बड़ा जो है अर्जुन मुंडा जिस गाड़ी पे चलते थे तो वो गाड़ी थी, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने चेंज करा दिया। और ये आपको दिखाएं, दर्शाएं, यहाँ पे देखिए राजभवन के बाहर दरवाजे पे हलचल बढ़ गई है, यानी मुख्यमंत्री जो है कभी भी किसी भी क्षण निकल सकते हैं बाहर। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से हलचल बढ़ी है। जी, एक बार हम चित्रा के पास चलते हैं और चित्रा से जानने की कोशिश करते हैं कि वहां जो हलचल चल रही है, चित्रा, वो क्या कहती है ये हलचल?
देखिए अंदर से जो जानकारी हमें मिल रही है, हेमंत सोरेन बस इस्तीफा देकर निकलने वाले हैं, ईडी की टीम भी उनके साथ है, यानी कि ईडी की टीम कभी भी उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक जानकारी जो है वो मीडिया से साझा कर सकती है। फिलहाल आप थोड़ी सी जगह दीजिए, बिल्कुल सामने से आपको बता दें यहाँ पर हलचल तेज हो चली है, बाहर गाड़ी एक खड़ी है और अंदर भी कई गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं वो जल चुके हैं, बस इंतजार किया, ताला खोला जा रहा है। दिखाइए सत्या, ताला यहाँ पर खोला जा रहा है जो बंद कर लिया गया था, बाहर मीडिया कर्मियों को कर दिया गया था। और कुछ ही देर में हेमंत सोरेन अब यहीं से निकलेंगे, एक गाड़ी आ रही है सामने, हेमंत सोरेन की गाड़ी आ रही है, यानी कि इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन अब बाहर निकलते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। क्या वो बाहर निकलकर कुछ बात करेंगे? पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं बाहर हेमंत सोरेन, देखिए। और अलग अलग तमाम, थोड़ा अलग हो जाइए, थोड़ा अलग हो जाइए, सिक्योरिटी के लोग थोड़ा आप लोग अलग हो जाइए, अंदर से तस्वीरें। इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर ये ईडी की हिरासत में हैं या ईडी के लोग हैं तो वो इनको इस समय इस तरह चलकर आने को की इजाजत कैसे दे सकते हैं और मीडिया से बात करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये भी पूछने वाली बात है। नहीं, अच्छा देखिए यहां पर नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो चंपई सोरेन बाहर आ रहे हैं राजभवन से, राजभवन का विशाल द्वार आप उनके पीछे देखिए, और चंपई सोरेन, अरे यार ढालो ढालो ढालो, अरे वैसे मत करिए, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी देव सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है, उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने लेकर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे आपको समय देंगे, नहीं शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए, हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज मेरे साथ जो है 43 विधायक है वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है क्योंकि नहीं आप लोग दावा पेश किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना चले गए। देखिए हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया, 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलिए अब हम कह दिया, आप बाकी समय है ना आप लोग को आने का बोलने का, आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या कुछ आगे की भाई? इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे, हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गए, चल आ जाए, चल हो गया भैया, आप लोग
अभिषेक भाई थोड़ा बढ़िया आलमगीर आलम मीडिया से बात कर रहे हैं। हेलो सर, समय मिला है किस दिन शपथ होगा? हाँ जी सर, सब दोबारा अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? थोड़ा सा हाथ हटाओ ना यार, थोड़ा सा भाई, हेलो हाथ हटाओ। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, होश में रहो। हाँ ठीक है सर, तो मतलब फिर दोबारा अभी नहीं आ रहा सर? देखिए हमारे पास 47 एमएलए हैं, 47 एमएलए हैं, 47 एमएलए हैं, 43 एमएलए का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं, उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, दो आदमी हॉस्पिटल आए जो उनको जोड़ते, 47 हमारा विधायक हमारे पास। राज्यपाल क्या कहें? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ ग्रहण कर कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। सैतालीस विधायकों का समर्थन पत्र दिए हैं, मोहर लगी है यहाँ पे जो अगले सीएम होंगे। मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस के तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि जेएमएम जो पार्टी सरकार में अभी है और हेमंत सोरेन जेएमएम के चेयरपर्सन हैं और हेमंत सोरेन के पिता जो हैं शिबू सोरेन वो जेएमएम के अध्यक्ष हैं और जेएमएम जो पार्टी है इसका गठन 1972 में हुआ था और ये लंबे समय तक एक अलग राज्य की मांग करते रहे थे और उसके बाद ये सत्ता में आए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस समय स्थिति क्या है। इस समय झारखंड की जो विधानसभा है उसमें 81 सीटें हैं, 81 सीटों में से जेएमएम के पास 29 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 हैं, एनसीपी के पास एक है, आरजेडी के पास एक है और सीपीआईएमएल के पास एक सीट है और कुल मिलाकर इसलिए ये कहते हैं कि हमारे पास पूरा बहुमत है। बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेएमएम है जिसके पास 29 सीटें हैं, वहां बहुमत किसी के पास नहीं है। ये हंग असेंबली हुई थी पिछली बार, जेएमएम को 29 सीट मिली थी और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसको 4 सीटें कम मिली यानी 25 सीटें और इस प्रकार से वहां पर ये सरकार बनी थी। हेमंत सोरेन पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में अब 11 महीनों का ही समय बचा है और इस वजह से कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़कर विधायक नहीं बन सकती तो हेमंत सोरेन के पास चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प तब बचा नहीं था और यह ऐसा समय था जब अगर कल्पना सोरेन पर कोई संवैधानिक ऑब्जेक्शन आ जाता तो फिर मुसीबत में फंस सकता था जेएमएम। इसलिए उन्हें लगा कि चंपई सोरेन सबसे सेफ कैंडिडेट होंगे, इनके साथ चलते हैं। सूत्रों से यह भी पता चला है कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को साफ कह दिया था कि अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं तो फिर यह मौका उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि चंपई सोरेन के लिए कहा जाता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जिन्हें कुर्सी देकर रिमोट कंट्रोल से बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए शिबू सोरेन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए। शिबू सोरेन को वहां गुरुजी के नाम से जाना जाता है और वो वाकई में बहुत बड़े गुरुजी हैं, राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, राजनीति के गुरुजी हैं। यहां बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन भी झारखंड में विधायक हैं, यानी पूरा जो परिवार है पूरा परिवार राजनीति में है और सभी विधायक हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने भाई को या अपनी भाभी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और इसका कारण यह है कि सीता सोरेन को हेमंत सोरेन पसंद नहीं करते और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन को हेमंत सोरेन अपनी जगह देना नहीं चाहते और उन्हें यह भी पता था कि अगर ऐसा हुआ तो चंपई सोरेन हो सकता है कि बगावत कर दें और इसके बाद झारखंड में उन्हें कुर्सी के साथ साथ सत्ता भी खोनी पड़े। हेमंत सोरेन 48 वर्ष के हैं और उन्हें भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है और इस घोटाले के बारे में हमने आपको कल भी बताया था कैसे हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर
फर्जी दस्तावेज बनाकर भारतीय सेना और दूसरी जमीनों को झारखंड में पहले अपना कब्जा दिखाकर खरीदा, फिर इसके बाद इन जमीनों को औने पौने दामों पर बाजार में बेच दिया। और इसी के साथ हेमंत सोरेन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन के जरिए 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसमें उनके करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और हेमंत सोरेन अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये जो सोरेन परिवार है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या उनके पिताजी शिबू सोरेन हो, इनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना रिश्ता है। और इस परिवार पर आज नहीं, वर्षों से, दशकों से अलग अलग समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के युग में लेकर चलते हैं। ये बात है वर्ष 1993 की, बहुत पुरानी बात है। 1993 में शिबू सोरेन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए घूस ली थी और उनकी पार्टी के दूसरे सांसदों के अकाउंट में भी रिश्वत के लाखों रुपए जमा हुए थे। और तब यह कहा गया था कि शिबू सोरेन ने अपने एक सांसद के लिए 40 लाख रुपए लिए थे। एक एक सांसद 40-40 लाख रुपए में तब बिका था। और शिबू सोरेन पर यह गंभीर आरोप लगे थे, जिसे भारत की राजनीति में कैश फॉर वोट के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 2020 में भी शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल को एक शिकायत दी गई थी, जिसमें शिबू सोरेन पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगे थे और कहा गया था कि शिबू सोरेन ने घोटाले के नए नए रिकॉर्ड बनाकर बेहिसाब संपत्ति जुटाई है। और इस मामले में आज भी जांच चल रही है। और यहां बात सिर्फ शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन की नहीं है। शिबू सोरेन वैसे जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें वो कोयला मंत्री रह चुके हैं। अब आप सोचिए, झारखंड से वो आते हैं और उन्होंने अपनी पसंद से कोयला मंत्रालय मांगा होगा, और उस जमाने में कोयला मंत्रालय में बड़ा पैसा था और तब वो कोयला मंत्री बन गए थे। ये अलग बात है कि बाद में उन्हें भी, जैसे आज उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ा बीच में ही, ऐसे ही कोयला मंत्री रहते हुए भी उन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो पिता और पुत्र दोनों के साथ एक जैसा ही हुआ है। हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई की पत्नी सीता सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन पर भी घोटाले के आरोप लग चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सोरेन परिवार में घोटाला करना कोई नई बात नहीं है। घोटाला वहां आम बात है, सभी लोग करते हैं, सब पर आरोप लग चुके हैं। लेकिन लोगों के लिए इसमें सीखने वाली बात यह है कि ये नेता असल में गरीबों और आदिवासी लोगों की राजनीति करते हैं। देखिए, पहले एक आंदोलन चलाते हैं कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, हमारे राज्य की जो अस्मिता है उसके नाम पर, हमारे राज्य में जो गरीबी है, हमारे राज्य में जो आदिवासी समुदाय है उनकी भलाई के लिए। कहते हैं कि ये आदिवासी समुदाय की भलाई के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। पहले अलग राज्य बनवाया, फिर उसमें सत्ता में आए, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन जिसे ये गरीबों की भलाई कहते हैं वो असल में भलाई नहीं बल्कि मलाई होती है, जिसमें ये नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, BMW में आते जाते हैं, प्राइवेट जेट से लेकर लाखों रुपए कैश अपने घर पर रखते हैं, जब कहीं बाहर जाना होता है तो सिर्फ प्राइवेट हवाई जहाज में जाते हैं और एक शानदार लाइफस्टाइल के साथ अपना जीवन जीते हैं। और बाहर जाकर यही कहते हैं कि हम आदिवासी नेता हैं, हम आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं और ये सब हम आदिवासियों के उत्थान के नाम पर कर रहे हैं। अब आदिवासियों का उत्थान नहीं होता लेकिन इनका उत्थान हो जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है और सोरेन परिवार भी आदिवासी समुदाय से आता है और शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन आदिवासी लोगों की ही राजनीति करते हैं। अब जो वहां पर लगभग 80 लाख से 1 करोड़ आदिवासी हैं झारखंड में, वो हमेशा शिबू सोरेन की पार्टी को इसलिए वोट दे देते हैं ताकि शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन आदिवासियों को क्या मिलता है आप देख सकते हैं। सोचिए, अब ये जो परिवार है जो अपने आप को कहता है कि हम आदिवासी हैं और आज उन्होंने SC ST एक्ट के तहत ईडी के खिलाफ एक पुलिस में शिकायत भी की है, अब आप सोचिए कि क्या इस परिवार को यह कहने का अधिकार है कि ये गरीब हैं? क्या इस परिवार को यह कहने का अधिकार है कि इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या ये जो सोरेन परिवार है, क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आदिवासियों का लाभ मिलना चाहिए? क्या SC ST एक्ट जो है, क्या उससे इनकी शक्ति और बढ़नी चाहिए? क्योंकि ये देश के बड़े बड़े अमीर खानदानों से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। ये आदिवासी नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगलों के निवासी हैं और ये भलाई करने की नहीं
मलाई कर खाने की राजनीति करते हैं, ये पूरे देश ने आज देख लिया है। एक बार हम फिर से चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, अभी आप बताइए कि इस समय वहां पर क्या चल रहा है, और अगर आप हमें बता सके हमारे दर्शकों को कि टोटल कुल मिलाकर कितने पैसे का घोटाला, कितने रुपए, कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला हेमंत सोरेन ने किया है। देखिए, इस बारे में कोई एक पर्टिकुलर आंकड़ा दे पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जांच लगातार चल रही है सुधीर जी, और आगे आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद यकीनन उनकी जांच और तेजी से बढ़ेगी, वो उनसे पूछताछ करेंगे, पूछताछ के बाद तार कहां कहां जुड़ते हैं, कौन कौन से लोग शामिल रहे हैं, किसको कितना फायदा पहुंचाया गया है, कम कीमत पर लेकर ज्यादा कीमत पर, मतलब खरीद फरोख्त का ये एक ऐसा मामला है जो बेहद संगीन है। शायद यही वजह है कि एक मुख्यमंत्री जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, आदिवासी समुदाय से आते हो, उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन। हम सब जानते हैं राजनीति में बहुत सारी चीजें बहुत कैलकुलेट करके होती हैं। 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में, और हमको याद करना होगा छत्तीसगढ़ का भी, एक वर्ग ऐसा था जो छत्तीसगढ़ के तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर कह रहा था कि महादेव ऐप घोटाले के आरोप लग रहे हैं तो सिंपैथी वोट उन तक पहुंच जाएगा और वहां पर छत्तीसगढ़ में आराम से सरकार बन जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो हमने देखा कैसे बीजेपी ने क्लीन स्वीप वहां पर कर लिया था। तो ये जो घोटाले के दाग हैं इसको धोने की कोशिश लगातार की जा रही है। और यही अच्छा चित्रा, आप सुबह से वहां पर हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है इसे लेकर लोगों में उनके प्रति कोई सहानुभूति है, क्या आपने ऐसा महसूस किया? देखिए, इस बारे में अभी तक चूंकि उनके कार्यकर्ताओं से ही ज्यादा हमारी मुलाकात हुई है, जहां जहां जा रहे थे वहां पर उनके कार्यकर्ता आ रहे थे, तो उनकी ओर से जरूर इस बारे में कहा गया कि फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आम लोगों का रिएक्शन करप्शन के मामले में कैसा होगा, इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। जांच और आगे बढ़ेगी हेमंत सोरेन से जब पूछताछ होगी, उसके बाद मुझे लगता है तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन यहां पर 2 पहलू हैं इस खबर के। एक ये है कि करप्शन के बेहद गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, ईडी के ऊपर आप जो भी आरोप लगाइए, लेकिन ईडी के लोगों को सबूत के तौर पर ठोस चीजें देनी पड़ेंगी कोर्ट के भीतर, और जब ईडी ने उसकी पुख्ता तैयारी कर ली तब जाकर यह गिरफ्तारी हुई है, इस बात को भी समझना होगा। तो यहां पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे, खनन घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, इस तरह के आरोप लगे। लेकिन वहीं पर दूसरा पक्ष यह भी है, देखिए, शिबू सोरेन इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता, जो पिता है हेमंत सोरेन के, वो माने जाते हैं, वो आदिवासियों का बहुत बड़ा चेहरा भी है। हमने देखा करप्शन के आरोपों के बावजूद वो कई बार चुनाव जीत कर आए हैं। तो इसके 2 अलग-अलग पहलू हैं, लेकिन अब इसका भविष्य में कितना असर पड़ेगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि ईडी ने बिना किसी हिचक के उनको पहले समन जारी किया, जब उन्होंने सहयोग उस तरीके से नहीं किया, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि जिस तरह की सबूत इकट्ठा किए गए हैं ईडी के अधिकारियों की ओर से, उन 14 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं उसके बाद, तो आज ये माना जा रहा था गिरफ्तारी हो जाएगी और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और उसी का नतीजा आज हमारे सामने है। चित्रा, हम वापस लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम ये बात बता रहे थे कि जो सोरेन परिवार है, जो आदिवासियों की राजनीति करते हुए यहां तक पहुंचा है, सत्ता में पहुंचा है, असल में सोरेन परिवार में आदिवासियों जैसा कुछ भी नहीं है। सोरेन परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है। सोरेन परिवार को अगर आप देखेंगे, खासतौर पर हेमंत सोरेन को देखेंगे, तो आपको आदिवासियों वाला वो टच आपको दिखाई ही नहीं देगा। और असल में भारत में हो यही रहा है कि ये जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टियां वन मैन शो बनकर रह जाती हैं या फिर पारिवारिक पार्टियां बन जाती हैं। पहले पिता मुख्यमंत्री बनता है, फिर उनका पुत्र मुख्यमंत्री बनता है, और फिर उनके सारे जो भाई भतीजा, जो परिवार के सारे लोग होते हैं, वो सब विधायक होते हैं, वही मंत्री होते हैं, और वो पार्टी उनके घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह जाती है, और फिर दबाकर खुलकर भ्रष्टाचार होता है, पैसा कमाया जाता है, और ये सब पैसा कमाया जाता है गरीबों के नाम पर, न्याय के नाम पर। ये सारे लोग जब सत्ता में आते हैं तो न्याय दिलाने के नाम पर आते हैं कि हम गरीबों को न्याय दिलाएंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो। और आदिवासियों को न्याय दिलाने के नाम पर ही हेमंत सोरेन और उनके पिताजी शिबू सोरेन सत्ता में आए थे, लेकिन कर क्या रहे थे, अब ये आरोप हैं। अब ईडी इन आरोपों को अदालत में किस हद तक साबित कर पाएगा, यह आगे देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो ईडी कहती है उसके मुताबिक हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये तमाम आरोप उन पर हैं, और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के ये आरोप हैं। शिबू सोरेन ने वर्ष 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू किया था, स्थापना की थी, और तब से लेकर अब तक शिबू सोरेन ने अपना और अपने परिवार का ही ज्यादा विकास किया है। शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा के सांसद, 4 बार राज्यसभा के सांसद, 3 बार केंद्रीय मंत्री और 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
और उनके बेटे हेमंत सोरेन दो बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सोचिए, आपके वोट से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का तो भला हुआ, लेकिन झारखंड में आदिवासियों का कितना भला हुआ, ये देखने वाली बात होगी। और अगर झारखंड में जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अगर हमें देख रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस सरकार ने उनके लिए कितना काम किया है, हो सकता है किया भी हो। और यहां बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वो पार्टियां जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, परिवार एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बनकर रह जाती हैं, वही सारे फैसले करते हैं, वही तय करते हैं। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी के 29 विधायक हैं, कांग्रेस के 17, बीजेपी के 26, सीपीआईएमएल के 3 और आरजेडी का 1 विधायक है। और फिलहाल झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें अगर कांग्रेस पार्टी शिबू सोरेन की पार्टी से समर्थन वापस ले ले तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिर जाएगी। लेकिन आज हम कांग्रेस से भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता के साथ अब भी सरकार में बने रहना चाहेगी जिस पार्टी का सिटिंग मुख्यमंत्री को भारतीय सेना की जमीन बेचने के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कांग्रेस को अब यह तय करना होगा कि वो हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी मानती है या नहीं मानती है। अगर वो मानती है तो फिर उसे तय करना होगा कि क्या वो एक भ्रष्टाचारी के साथ सरकार में रहना चाहेगी, और अगर वो ये कहती है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन्हें फंसाया जा रहा है, तब तो फिर कांग्रेस के पास उनकी अपनी स्टोरी को और बल देने के लिए वो इसका और इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखिए कैसे एक एक करके इंडिया गठबंधन के लोगों को बीजेपी की सरकार परेशान कर रही है, झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। तो कल आपको ये दो कहानियां सुनने को मिलेंगी। एक कहानी होगी विपक्ष की, जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और कहेंगे कि सारे आरोप झूठे हैं और विपक्ष के नेताओं को ही चुन चुन कर जांच एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार करवाया जा रहा है, और ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और मोदी चुनाव से डर कर, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ऐसा कर रहे हैं, एक एक करके विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। बीजेपी दूसरी तरफ ये कहेगी कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी हुई है और वो देश में एक भी भ्रष्टाचारी नेता को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि उस पर भी घोटाले के कई आम मामले चल रहे हैं, उसके नेता भी घोटालों में फंसे हुए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन का साथ देना कांग्रेस की एक मजबूरी है, और कल आप कांग्रेस पार्टी को इनके साथ खड़ा हुआ जरूर पाएंगे। मुनीश के पास एक बार हम फिर से चलते हैं, और मुनीश आपसे बस हम इतना जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने कुल मिलाकर कितने का घोटाला किया होगा। जी देखिए सुधीर, इस बारे में अभी कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि जितने ही 3 मामले हैं उसमें अभी भी ईडी सिर्फ यही अनुमान लगा रही है कि ये कितने हजार करोड़ का घोटाला हो सकता है, क्योंकि मामला 1-2 साल से नहीं, कई सालों से घोटाले चल रहे थे। इलीगल अगर माइनिंग की बात कर लें तो कोई ऐसी जगह बची नहीं थी झारखंड में जहां पर घोटाला हो नहीं रहा था। और आपको याद होगा सुधीर, इस मामले में सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो खुद उनके मंत्रालय में काम करने वाली एक ब्यूरोक्रेट थी, आईएएस ऑफिसर थी मनीषा सिंघल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी के बाद जब छापेमारी की गई तो 18 करोड़ रुपए कैश मिले थे एक ठिकाने से। उसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ हुई, जिन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया था। दूसरा, अगर कोयला घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले में भी कहा जा रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए के घोटाले कई सालों से चले आ रहे थे, और जो हेमंत सोरेन के नजदीकी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब इन घोटालों में शामिल थे, और किसी को अगर फायदा पहुंच रहा था तो वो हेमंत सोरेन को पहुंच रहा था। तीसरी अगर बात कर लें जमीन घोटाले की, कौड़ियों के दाम की जमीन जो कि गरीबों की हुआ करती थी, पेपर में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड थे वहां पर बदलाव कर फर्जीवाड़ा कर जमीन किसी और के नाम पर करवा कर और जमीनों को महंगे दामों पर बेच दिया गया। ये पहला ऐसा मामला था जो कि ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जो जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले की जमीनों को भी इसी तरह से लोगों ने हड़पा हुआ था। और इसी में एक शख्स का नाम आया जिसका नाम था अमित अग्रवाल, वो शख्स था जिसे कि हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है।
उसी ने पूरा षड्यंत्र किया हुआ था सभी अधिकारियों से मिलकर, ताकि हेमंत सोरेन का नाम कभी सामने ना आए। लेकिन ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अमित अग्रवाल कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के कहने पर काम करने वाला शख्स है, और उसी वजह से ईडी ने यह मान लिया कि हेमंत सोरेन से पूछताछ करना जरूरी है। और पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन ये साबित नहीं कर पाए कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। जो सबूत थे वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन को ना सिर्फ घोटालों के बारे में जानकारी थी, मनीष इतना शामिल भी थे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि घोटाला जो हुआ है कम से कम हजारों करोड़ का तो होगा, इतना तो आप कह ही सकते हैं कि हजारों में होगा, जो अमाउंट है फिगर है हजारों करोड़ में होगा। जी बिल्कुल सुधीर, आप बिल्कुल तरह सही हैं, हजारों करोड़ का ये घोटाला है और जांच के बाद पता चलेगा कि ये कितने हजार करोड़ का घोटाला है। लेकिन अपने आप में ईडी का कहना है कि बहुत बड़ा मामला जी है। और चित्रा के पास जाने से पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है उसकी जो एक महीने की जो तनख्वाह होती है वो है लगभग 3.25 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए भी मान लें तो साल के हुए 36 लाख रुपए। अगर आप हेमंत सोरेन का लाइफस्टाइल देखें, सोरेन परिवार का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह साल की 36 लाख रुपए है। आपको ऐसा लगेगा 36 लाख नहीं, शायद 36 करोड़ नहीं, शायद 360 करोड़ नहीं, शायद हजारों करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह होगी, तब जाकर ये लाइफस्टाइल उन्हें देखने को, सहने को, रहने को मिलेगा। इसलिए सैलरी भी उनकी देख लीजिए 3.25 लाख रुपए, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली के मकान से ही 36 लाख रुपए तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी? उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20-30-40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। देखिए, जो बड़ी जानकारी सुधीर जी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से ईडी दफ्तर के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और माना जा रहा है कि वहीं पर हेमंत सोरेन को लेकर जाया जाएगा। हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो 3 बड़ी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं, देखिए झारखंड राज्य का ये दुर्भाग्य है कि जब से बिहार से अलग होकर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये राज्य, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जरा यहां पर देखिए कि नेताओं के कारण किस तरह से बार बार यहां की जनता को, एक तो मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है, यहां पलायन भी होता है बहुत बड़ी तादाद में। हम सब जानते हैं कि जब से इस राज्य का गठन हुआ तब से लेकर आज तक सिर्फ रघुवर दास बीजेपी के ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया। अदरवाइज आज हेमंत सोरेन को भी ले लें, कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर जिसने 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया हो। दूसरी बात, आप कांग्रेस पार्टी की कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कल आकर भ्रष्टाचार के मामले में उनके साथ स्टैंड करने की कोशिश करेगी। अब कांग्रेस के ही सांसद रहे धीरज साहू, इसी झारखंड में 351 करोड़ की बरामदगी उनके घर से होती है कैश में, तो आप समझ सकते हैं कि यहां की स्थिति क्या है, नेताओं की और आम लोगों की स्थिति क्या है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जनता ज्यादा समझदार है, उसी को भाग्य विधाता बनना है नेताओं का। लेकिन कुल मिलाकर हेमंत सोरेन का जो आपने सवाल पूछा है, ईडी दफ्तर के बाहर जिस तरह की हलचल बढ़ी हुई है उसे माना जाता है कि हो सकता है आज की रात हेमंत सोरेन को वहीं पर गुजारनी पड़ जाए, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है। सुधीर जी, जी चित्रा, अभी हेमंत सोरेन कहां है? देखिए, राजभवन से लेकर ईडी की टीम उनको बाहर जा चुकी है। जब वो राजभवन के भीतर भी आए थे तो महुआ मांझी जो कि सांसद हैं राज्यसभा की झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनकी ओर से हमें जानकारी दी गई थी कि ईडी के अधिकारी साथ में आए हैं, तो ईडी के अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन राजभवन के भीतर जाते हैं। वहां पर जाकर राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं और फिर जो पीछे का गेट है वह उसी गेट से वो दूसरे रास्ते से लेकर चले जाते हैं, यानी कि ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। अब लेकर क्या वो सीधे दफ्तर गए हैं या फिर चूंकि मैं राजभवन में अभी मेरी मौजूदगी है लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री आवास पर नहीं है, इसको मैं कह सकती हूं क्योंकि वहां पर उस तरह की हलचल नहीं देखने को मिल रही है, तो ईडी के अधिकारी लेकर सीधे हो सकता है ईडी दफ्तर ही जाएं क्योंकि वहां पर लंबी चौड़ी पूछताछ करनी है हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला। और आप तो चित्रा हर रोज डिबेट करती हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती हैं तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ, आज ये भी जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर की, उस दिन से इंडिया गठबंधन के प्राण हर रोज धीरे धीरे निकल रहे हैं, और देखिए आज एक बहुत बड़ा विकेट इंडिया गठबंधन का गिर गया है। अब आप देखिए, उस दिन के बाद से ही ममता बनर्जी कह चुकी हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी कह चुके हैं पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने पहले से ही अपनी सीटें घोषित कर दी हैं, और आज
हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो गए। एक और बहुत बड़ा विकेट इंडिया गठबंधन का गिर गया। इंडिया गठबंधन के लिए आज आप क्या कहना चाहेंगी वहां से? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक कई कई झटके यहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता उनके सामने है, तो दूसरी तरफ माना जा रहा था कि सब जब एक साथ मिलेंगे तो हो सकता है एक चुनौती पेश करें। चुनौती पेश करने के लिए ये लोग जा रहे थे। जीतने की बात कोई नहीं कर रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, कौन बनेगा, एक चुनौती पेश करने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक एक करके, जैसा कि आपने भी कहा है, कि राम मंदिर के बाद झटके पे झटका उनको मिलता हुआ चला जा रहा है। और हेमंत सोरेन यकीनन आदिवासी के बड़े चेहरे के तौर पर वो थे, और यहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 12 आजसू के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, एक गई थी कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर भी बड़ा झटका लगा है, और झटके पे अब झटके से कैसे उभरेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि अलग अलग पार्टियां एक साथ मिलकर आखिर क्यों गठबंधन बना रही है, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाना है। तो चित्रा, बहुत 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 शुक्रिया अभी आपका, क्योंकि अब समय हमारा समाप्त हो रहा है, लेकिन इस पूरे अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो ये बहुत बड़ी खबर एक हो गई है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही एक ड्रामेटिक घटनाक्रम इस समय देश में चल रहा है, और पूरा देश टीवी से चिपक कर इस इतनी बड़ी खबर को देख रहा था, और हमने इस एक घंटे में तमाम विश्लेषण उसका जितना भी हो सकता था आपके सामने पेश किया है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।